आगे कर लेंगे। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे, उसके लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ के आंखों को बंद कर लें, मन में परमात्मा की भावना को रखते हुए मेरे स्वर के साथ मिलाते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे। आप लोग अब मौन रहिए। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय श्री स्वामी त्याग वल्लभ जी महाराज, मंच पर विद्यमान अन्य बहुत से सम्माननीय महानुभाव, समाज के लिए कार्य कर रहे ऐसे सभी सम्मानित महानुभावों को सादर अभिवादन करते हुए और आप सबका भी जो यहां पर पधारे हैं, सभी बच्चे बच्चियां और महानुभाव, आज का चर्चा का विषय है धर्म और व्यवहार। धर्म शब्द हम बहुत सुनते रहते हैं, बचपन से सुनते हैं और व्यवहार भी हम बहुत करते रहते हैं। हर व्यक्ति प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक व्यवहार, कार्यकलाप, अन्यों से लेन देन, विचार करता ही रहता है। धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना जाता है तो एक व्यक्ति के मन में स्वभावतः ये प्रश्न हो सकता है कि धर्म आखिर है क्या। धर्म के नाम से जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं,
हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को धर्म मानता हुआ कुछ कर रहा है, लेकिन जब उनमें बहुत सी बातों में कुछ भिन्नता दिखाई दे तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये धर्म है या ये धर्म है। जब दो धर्म वाले परस्पर विरोध कर रहे हों तो विशेष रूप से नई पीढ़ी के मन में, नवयुवकों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धर्म ये है या ये है। सभी अपने अपने को अच्छा कहते हैं, अच्छे हैं भी, बहुत सी चीजों में अच्छे दिखेंगे, बहुत सी चीजों में ठीक नहीं भी दिखेंगे। तो आखिर धर्म है क्या? अब आधुनिक शिक्षा जो आप लोग पढ़ते हैं, वहां कोई भी विषय पढ़ेंगे तो कुछ निश्चित बातें हमें पढ़ने में आती हैं, ये ऐसा है, एक मत दिखाई देते हैं। विज्ञान की बातें सिद्ध होते हुए एक मत दिखाई देती हैं। अधिकांश बातें जो बहुत ऊंचे स्तर की और नई खोजें हैं उसमें मत भिन्नताएं हैं वैज्ञानिकों में, क्योंकि अभी वहां अंतिम तक नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत कुछ हमें एक रूप दिखाई देता है और उसको हम अपनी प्रयोगशाला में या बुद्धि से समझ के निर्णय भी कर सकते हैं, नहीं ये बात ठीक है। उनसे हम जानते हैं और हम अपनी परीक्षा भी करते हैं, तो वहां हमें प्रायः एक रूपता दिखाई देती है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब आते हैं, जब आज के नए युवक युवतियां अपनी उस बुद्धि का जो उन्होंने आधुनिक शिक्षा से विकसित की है उसका प्रयोग जब धर्म के क्षेत्र में करते हैं तो बहुत से प्रश्न उठ जाते हैं। और यदि प्रश्न किए जाते हैं बहुत सों का समाधान होता भी है, बहुत सों का नहीं भी होता। और फिर एक बात आती है कि धर्म के क्षेत्र में बुद्धि का प्रयोग मत करो, क्योंकि बुद्धि तो विज्ञान के लिए है, बुद्धि का प्रयोग विज्ञान में है और धर्म का प्रयोग धर्म में हृदय का उपयोग होगा। धर्म तो हृदय का क्षेत्र है, ये प्राय करके प्रचलन में कहा जाता है। अब ये तो अब और आगे हम विचार करेंगे। यहां तक भी कहा जाता है कि जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां धर्म प्रारंभ होता है, जहां बुद्धि समाप्त होती है वहां धर्म प्रारंभ होता है, क्योंकि बुद्धि को छोड़ेंगे तब हृदय प्रारंभ होता है, भावनाएं प्रारंभ होती हैं। तो धर्म भावना का क्षेत्र है और विज्ञान बुद्धि का क्षेत्र है। अब चूंकि विज्ञान तो बुद्धि का विषय है इसलिए वहां एक रूपता आ जाती है, लेकिन धर्म तो भावना का क्षेत्र है, हृदय का क्षेत्र है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग दृष्टि से चलते हैं, इसलिए यहां तो एक रूपता हो भी नहीं सकती है। अब जब हम धर्म के नाम पर बहुत सारी बातों को देखते हैं तो प्रश्न उठेगा कि धर्म है क्या? यदि प्रश्न करें आपसे किसी बच्चे से, युवक युवती से कि धर्म है क्या, बच्चों ही से नहीं बड़ों से भी, तो धर्म क्या है तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे परोपकार करना धर्म है। ठीक है, परोपकार करना धर्म है, दूसरे को सहयोग देना धर्म है, किसी को जल देना, भोजन देना, ज्ञान देना, किसी को रास्ता दिखाना, भगवान का ध्यान करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, ये बहुत सारे हम उदाहरण दे देंगे। लेकिन पूछे धर्म क्या है, ये जो जितनी चीजें बताई गई ये तो धर्म के उदाहरण हैं। अगर हम कहें कि ये ही धर्म है और इससे भिन्न कोई चीज आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये धर्म है या नहीं है? जो उदाहरण हमारे सामने हैं धर्म के नाम पे, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, 10, 20, 50 चीजें, और उससे भिन्न भी कोई चीज आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे ये धर्म है या नहीं है? और जो धर्म के नाम से कहे जा रहे हैं वो धर्म है या नहीं है कैसे निर्णय करेंगे? क्योंकि सब अपने अपने को ठीक ही मानते हैं।
कसौटी क्या है और धर्म कहते किसको है। ये कुछ इस तरह से मैं बात रख रहा हूं, जैसे किसी से पूछा कि वस्तु क्या होती है। वस्तु यानी चीज, मैटर, कोई द्रव्य है। वस्तु क्या होती है? तो छोटे बच्चे को पूछें तो वो क्या करेगा? वो कोई उदाहरण बताएगा, बोले देखो ये वस्तु है, ये माइक वस्तु है। बोले वस्तु क्या होती है? बोले तख्त वस्तु है। वस्तु क्या होती है? बोले टेबल वस्तु है। क्या वस्तु का, मैटर का, द्रव्य का ये लक्षण हो गया? मान लो उससे अतिरिक्त कोई चीज आ गई, आप पूछेंगे कि ये वस्तु है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा? ये जो वस्तु क्या है और उसके लिए कई चीजें बताई गई, ये इसके उदाहरण मात्र हैं। लेकिन वस्तु है क्या, उसकी यदि हमें परिभाषा आ जाए, मैटर किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, तो अब दुनिया की कोई भी नई वस्तु हमारे सामने आ जाएगी और पूछें ये वस्तु है या नहीं है, हम उस परिभाषा को उस पर घटाएंगे और निर्णय कर देंगे हाँ ये वस्तु है, या कहेंगे ये वस्तु नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन रूप मान लीजिए हमने पढ़े। जो पढ़े हुए हैं उनको तो अच्छी बात है, वो पता लग जाता है, लेकिन कल्पना कीजिए छोटे बच्चे को कहें कि ठोस किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, वो कुछ उदाहरण बता देगा, लोहा सॉलिड है, पत्थर सॉलिड है, लेकिन सॉलिड मतलब क्या, ठोस मतलब क्या, वो परिभाषा उसके सामने आ जाए, समझ में आ जाए, तो दुनिया में कभी भी कोई वस्तु आएगी तो वो निर्णय कर सकता है हाँ ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो धर्म की परिभाषा क्या, जब हम ये पूछते हैं धर्म क्या है और कोई कहे कि दान देना धर्म है, ये धर्म की परिभाषा है या उदाहरण है? ये उदाहरण है, उदाहरणों से हम पूरी तरह नहीं समझ सकते। परिभाषा को समझ करके और फिर उदाहरण देते हैं तो हमें बात पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन केवल उदाहरणों पे चलते रहते हैं तो बात स्पष्ट नहीं होती। तो ये हमारे लिए विचारणीय है कि धर्म है क्या, और इसके साथ में प्रश्न जुड़ा है कि धर्म और व्यवहार, हम उसको अलग अलग रूप में देखते हैं आजकल रह करके। कुछ चीजें हम धर्म की व्यवहार के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन एक सामान्य मन में क्या है, धर्म क्या है, वे सुबह उठ करके नहा धो करके ऐसे ऐसे उपासना करना, पूजा पाठ करना, और बाकी दिन में, दिन में जैसा हमें करना है वैसा करना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, जैसा करना है वैसा करना है, किसी संस्था में जाकर के सेवा दे दी, ये धर्म कर रहे हैं, बाकी समय, बाकी का काल तो अलग है, ये तो व्यवहार का काल है। तो हम प्राय धर्म और व्यवहार को अलग अलग करके भी देखते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं या एक ही हैं, ये हमारे लिए एक विचार की बात है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं धर्म है क्या। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत, ये धर्म शब्द संस्कृत का है, जब भी हिंदी में, गुजराती में, सब जगह भारतीय भाषाओं में है, ये शब्द ही बताता है कि धर्म किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि जिस चीज के लिए, जिस क्रिया के लिए वो शब्द प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, उसी में जानकारी छुपी हुई रहती है। तो धर्म शब्द ही धर्म के बारे में बता रहा है। तो धर्म किसे कहते हैं? जो हमारा धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म शब्द में संस्कृत की मूल धातु है धृ, धारण करना। धारण करने का क्या मतलब? जैसे पृथ्वी हमें धारण कर रही है, पृथ्वी हमें धारण कर रही है यानी हमारा आश्रय है, जो हमारा आश्रय बने
वो धर्म है। जो हमारा रख रखाव करता है, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, ऐसी जो भी क्रिया जिससे हमारी देखभाल होती है, रख रखाव होता है, ये हमारा धारण करना है। इसको और दूसरे शब्दों में कहें, जिससे हमारा हित होता है उसे धर्म कहते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है वैसे तो, लेकिन जिससे हमारा हित होता है उसे धर्म कहते हैं। अब इसको यूं परिभाषा को देखने लगे तो कहेंगे ये तो स्वार्थ की बात हो गई। धर्म में हम किसे कहते हैं? अपने लिए कुछ करना, इसको तो हम धर्म नहीं कहते सामान्यतः। हम धर्म किसे कहते हैं? दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और हमें इसमें विरोध दिखाई देता है कि हम क्या करें, हम अपने लिए करें या दूसरे के लिए करें। हमारी सबकी इच्छा होती है हम अपने लिए करें, और हम अपने लिए करते भी हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप तो यह बताया जाता है कि हमें दूसरों के लिए करना है। एक बार मैं हमारे स्वामी जी को एक वाहन में लेके जा रहा था, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जिनका उल्लेख किया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो साबरकांठा से अहमदाबाद ला रहा था एम्बुलेंस में, डॉक्टर साथ में थे, वो अचेतन अवस्था में थे, मैं साथ में बैठा हुआ था। तो ऐसे कपड़ों को देख करके डॉक्टर जो थे उनके मन में विचार है, मेरे से कुछ पूछने लगे। वो बोले जी कि हम तो धर्म कर ही नहीं सकते। बोले यदि हम धर्म करने लगेंगे तो परिवार का पालन कैसे करेंगे? हम तो धर्म कर ही नहीं सकते हैं, धर्म करेंगे तो परिवार का पालन कैसे करेंगे? ये उन्होंने प्रश्न रखा। अब उनके मन में क्या बात थी, किस धर्म की वो मन में सोच रहे थे? वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। तो कोई रोगी मेरे पास आए और मैं उसको बिना पैसे लिए इलाज कर दूं, उपचार कर दूं, तो इसको हम धर्म कहते हैं, क्योंकि यही तो परोपकार हुआ। बोले जी यदि मैं धर्म करने लगूं और रोगियों को ऐसे ही देखने लगूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? अर्थात एक डॉक्टर के मन में धर्म का स्वरूप जो उन्होंने समझा और अपना व्यवहार, उसमें उनको विरोध दिखाई दे रहा है। क्योंकि धर्म की परिभाषा ही यही कि हम दूसरों का भला करें। और ये शब्द क्या कह रहा है? जिससे धारण होता है, जो धरति, जो हमारी रक्षा करता है, उसे धर्म कहते हैं। तो जब यह परिभाषा आएगी तो यूं लगेगा यह तो धर्म की बात ही नहीं है, यह तो स्वार्थ की बात है। यह तो स्वार्थ की बात है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यह स्वार्थ की बात है, इसको थोड़ा सा समझें। क्या दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने बारे में ना सोचता हो? आप में से कोई ऐसा है जो अपने बारे में ना सोचता हो? हम सब सोचते हैं। आप लोगों के मन में होगा कि जो महाराज लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, घर छोड़ दिया है, महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े परोपकारी हुए हैं, ये अपने बारे में नहीं सोचते, ये जनता के बारे में सोचते हैं। और हम प्रस्तुत भी यही करते हैं। अभी अभिवादन हो रहा था, उन्होंने बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, आप लोगों ने बहुत उनका प्रोत्साहन किया, उनके प्रति सम्मान और बहुत अच्छा काम किया। ये किस लिए कर रहे हैं? ये सब बच्चियों के लिए कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे मन में धर्म का मतलब क्या छुपा हुआ है? परोपकार करना। परोपकार करना भी धर्म है, उससे मना नहीं है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये जो आप काम करते हैं, इसमें आपको भी कुछ मिलता है क्या? आप क्यों ऐसा कार्य करते हैं? महाराज जी ने, संस्थाओं ने जो ये सारा चला रखा है, संस्था चला रखी है, लोगों के लिए बहुत भला करें, भी क्यों कर रहे हैं? क्या केवल लोगों के लिए कर रहे हैं?
या अपना भी उसमें हित छुपा हुआ है। अध्यात्म में जो भी जाता है, घर छोड़ करके भी जो जाता है, उसमें अपना हित तो वो भी देख रहा है। ये मानव मात्र का स्वभाव है कि वो जिसमें हित देखता है उसको करता है, जिसमें सुख देखता है, लाभ देखता है, उसको वो करता है, करता ही है। तो धर्म का मतलब जो हमारा धारण करता है, हमारी रक्षा करता है, और जिसको हम अपनी रक्षा के लिए धारण करते हैं, अपने में अपनाते हैं, ये धर्म है, ये इसकी परिभाषा। एक हमारे प्राचीन ग्रंथ में एक श्लोक भी मिलता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति, मारा हुआ धर्म, हतः मारा हुआ धर्म, यानी यदि हमने धर्म को मारा है तो वो हन्ति हमें मार देता है। यदि हम धर्म को मारते हैं तो धर्म हमें मार देता है। एक कैसी विचित्र बात है, हम सामान्यतया धर्म और परोपकार की बात करते हैं, तो अगर हमने किसी को दुख दिया और उसने भी हमें दुख दे दिया, या उल्टा करें कि हमारे को किसी ने पीड़ित किया, गाली दी, और हमने भी उल्टी गाली दे दी, तो कहते हैं गलत किया। हमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, जिसने हमें मारा है उसको ना मारें, यदि उसने मारा और हम भी मारेंगे तो ये तो अधर्म हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। लेकिन धर्म के स्वयं के बारे में यह कहा जा रहा है, यदि हम धर्म को मारेंगे, नष्ट करेंगे, क्षीण करेंगे, तो धर्म हमें नष्ट कर देता है। तो ये तो कोई अच्छी चीज नहीं हुई ऐसा हमें लगेगा। इस पर अभी और आगे विचार करेंगे तब बात आएगी। और धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित किया गया धर्म, यानी हमने यदि धर्म की रक्षा की है तो वो रक्षति हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये धर्म का मूल तत्व हमारे शास्त्रों में भी ऋषियों ने मुनियों ने समझ के बताया। अब इसको थोड़ा सा हम विचार करें, प्राचीन काल में बहुत सी चीजों को धर्म के साथ में जोड़ा गया। मान लीजिए हमारे धर्म में है कि खाना कैसे खाना चाहिए, हाथ धोकर के खाना चाहिए, ये धर्म के साथ जोड़ी गई बात। बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो गलत कहते हैं बड़े बुजुर्ग, उसको धर्म के साथ जोड़ के कहा जाता था। आज आप लोग सब समझते हैं कि हाथ क्यों धोने हैं। अब इसको परिभाषा में घटाइए कि हाथ धोना, भोजन के पहले हाथ धोना धर्म है या अधर्म है? कसौटी क्या है? जिससे हमारा धारण हो, हमारी रक्षा हो, वो धर्म है। आज विश्व में बहुत सारे रोग केवल इसलिए होते हैं कि हाथ नहीं धोए जाते खाना खाने से पहले। आकाशवाणी और इस पे आप समाचार भी सुनते होंगे, सूचनाएं आती हैं जन सामान्य के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक बड़ा योजनाबद्ध के लिए बनाया। अफ्रीकन देशों में और कितनी जगह हाथ धोने मात्र से डायरिया, अतिसार, ये झाड़ा जो बोलते हैं, वो दस्त लगना होता है, इससे मृत्यु बहुत होती है। हाथ नहीं धोए, गंदगी कीड़ा अंदर गए, संक्रमण हुआ, दस्त लगी, पानी पूरा नहीं पिया, जल की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया और मर जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग मरते हैं केवल इस कारण से। और आज ये एक योजना के रूप में कि हाथ धोए, इतने मात्र से हम कितने जीवन बचा सकते हैं, कितने चिकित्सालयों में भार कम कर सकते हैं, औषधियों का खर्च कम कर सकते हैं, दुख को कम कर सकते हैं। तो ये एक हाथ धोना हमारा धारण करता है, इसलिए ये धर्म है, और हमारे प्राचीन लोगों ने इसलिए इसको धर्म के साथ में जोड़ दिया गया। ये कोई वैसा रीति रिवाज नहीं, एक छोटी सी बात है। इसी तरह से सारा का सारा जितना हमारा धर्म है, जो धर्म के नाम से कहा जाता है, आपको कहीं भी कसौटी करनी हो तो देखें कि इससे मेरा धारण होता है या नहीं होता है, ये हमारी कसौटी है। धर्म
अलग अलग दृष्टि से समझने के लिए हम अलग अलग उसका विभाजन कर सकते हैं। है हमारे लिए शरीर का धर्म, हमारे मन बुद्धि इंद्रियों का धर्म, आत्मा का धर्म, हमारे समाज का धर्म, परिवार का धर्म, गृहस्थ का धर्म, राष्ट्र का धर्म, मानव धर्म। समझने के लिए हम इस अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। परिभाषा सब जगह हम ये लगाएंगे कि जिससे हमारा धारण होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म की जब चर्चा चलती है तो विशेष रूप से नवयुवकों में एक बात आती है, प्राचीन लोगों में भी, कि धर्म कुछ नियम है, बंधन है, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। धर्म में यही तो बताया जाता है और बड़े बूढ़े भी यही कहते रहते हैं, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। और ये आप में से किसी को भी पसंद नहीं आता होगा, आता है पसंद? अगर दूसरे ये कहें, बार बार टोकें, ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये धर्म है, इनका आदेश है, बस इतना ही हम उसको सोचते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ कर्म करना चाहता है, करे, ये हर मनुष्य की स्वतंत्रता है। परमात्मा ने भी हर मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बना रखा है। तो परमात्मा गलत काम करते समय हमारे हाथ नहीं रोकता है, झूठ बोलते समय हमारी जीभ नहीं रोकता है। हाँ, मन में प्रेरणा अवश्य करता है, अच्छा काम करते हैं तो आनंद उत्साह देता है, बुरा काम करते हैं तो भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, लेकिन हाथ नहीं रोकता है। कई लोग जो ईश्वर पर सहज विश्वास नहीं करते वो प्रश्न उठा देते हैं कि अगर ईश्वर है, इतना श्रेष्ठ है, तो इस दुनिया में अन्याय अत्याचार क्यों है? वो परमात्मा अन्यायियों अत्याचारियों को रोक क्यों नहीं लेता है, क्यों कष्ट देता है, परमात्मा क्यों नहीं शासन व्यवस्था ठीक रखता है? इस तरह के प्रश्न आते हैं। परमात्मा श्रेष्ठ है, व्यवस्था करता है, न्याय व्यवस्था है, पाप पुण्य दंड पुरस्कार सब करता है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता उसने भी हमें दे रखी है, मनुष्यों को। क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता होगी तभी पाप और पुण्य बन सकते हैं। यदि कठपुतली की तरह हमारे को वैसा का वैसा ही चलना हो, वैसा ही करना हो, परमात्मा जो कराए वही करना है, तब तो फिर क्या तो पाप और क्या पुण्य, वो तो सब परमात्मा ही करवा रहा है, उसमें हमारे को क्या दोष है? तो अच्छा और बुरा तभी बनता है जब हमारी कर्म करने में स्वतंत्रता होती है। और हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं, वो स्वतंत्रता होनी भी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ये टकराव लगता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं और हमारे को ये न करना नहीं है, हमें अपनी इच्छा से करना है, करना चाहिए इच्छा से, लेकिन क्या विचार करना है? मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो आजकल आप लोग खाना जल्दी खाते हैं या देरी से खाते हैं? जैसे हमारे पास खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते, और आजकल तो हर चीज जल्दी यानी फास्ट हो रही है, तो फास्ट फूड आ गया। कारण कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी दूसरे काम करने हैं, ये छोटी सी बात है। अब घर वाले टोकते हैं लेकिन धीरे धीरे खाओ, और टोकते होंगे, अधिकांश टोकते होंगे, लेकिन आपको नहीं, मेरे को पढ़ना है, मेरे को जाना है, ये काम करना है। अब हमें लगता है हमारी स्वतंत्रता में वो बाधा कर रहे हैं, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए कि जल्दी खाएं या देरी से खाएं, हम उसमें क्यों दूसरा हमारे पे अड़चन डालता है। तो धर्म को हम बंधन के रूप में देखते हैं, व्यवहार को स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं, और स्वतंत्रता हम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहने में दोष नहीं है। लेकिन अब हमें ये विचार करना है कि इससे मेरा धारण, मेरी रक्षा होती है या नहीं होती है? उसको इस रूप में न लें कि उन्होंने आदेश दिया या मना किया। अब देखिए आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, प्राचीन आयुर्वेद क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, खाना कैसे खाना चाहिए, जल्दी या धीरे धीरे, क्यों? वो उसको इन्होंने धर्म का रूप दे दिया, ये धर्म है, धीरे धीरे खाना चाहिए, क्यों?
क्योंकि इससे हमारा धारण होता है। कैसे धारण होता है? बोले हम जल्दी जल्दी खाते हैं तब भी तो धारण होता है हमारा। जो जल्दी खाने वाले हैं वो भी तो कहते हैं हाँ मेरे में भी ताकत है, हम भी चलते हैं फिरते हैं करते हैं सब काम करते हैं, तो धारण कैसे नहीं हो रहा है? जल्दी खाने से भी तो धारण हो रहा है, होता है, क्योंकि कुछ तो चबा ही रहे हैं, कुछ तो अंदर कर ही रहे हैं। लेकिन अगर और चबाएं तो वो धारण और बढ़ता है। अब ये आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है, अगर हम मुंह में भोजन को अच्छी तरह से चबाएंगे, समय लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई 32 दांत दांत दिए हैं तो कम से कम 32 बार तो चबाओ, एक समझने की बात है। हालांकि 32 बार भी कम ही है, आप चबा करके देखिए, 32 में भी उतना नहीं होता है, 64 बार चबाइए, आपको लगेगा बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना समय खाने में लगाएंगे तो फिर अंक कम आएंगे परीक्षा में, पैसा कुछ कम कमाएंगे। लेकिन ये तो विज्ञान से भी सिद्ध है, आप लोग भी पढ़ते हैं, हम जब मुख में चबाते हैं तो इसमें मात्र केवल उसको पीस नहीं रहे हैं, वो पीसने को तो मिक्सी में पीस करके भी खा लेते हैं, और होता भी है जल्दीबाजी हो तो मिक्सी में पीसा और गड़गड़ गड़गड़ अंदर। ये यहां पिसना और मिक्सी में पिसना अलग अलग है। यहां पिसता है तो क्या क्या होता है? इसमें हमारी लार मिलती है, मुंह में से मुंह का पानी आता है, उसमें कुछ स्राव होते हैं, उसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, वहीं से करना शुरू करते हैं। और जब हम चबाते हैं तो हमारे को संवेदना भी जाती है, जीपी है हमारे यहां, कौन सा रस आया, कौन सी वस्तु आई, ये संवेदनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, और उसके अनुसार आगे की तैयारी बनती है कि ऐसा ऐसा भोजन आ रहा है, सूचना मिल जाती है, तो उसके लिए ऐसे ऐसे इतने इतने पाचक स्राव छोड़ने चाहिए तो पाचन ठीक होगा। अब हम एक तो जल्दी से खाते हैं और दूसरा भोजन करते करते भी दूरभाष भी चलता है, या तो टेलीविजन भी चलता है, या परीक्षा हो तो पुस्तक भी चलती है सामने, कुछ और चलता रहता है। अब हमारे शास्त्रों ने यह कहा, इसको धर्म का रूप ले लीजिए, आयुर्वेद में कहा तन मना भुंजी था, तन्मय होकर के खाए, तन्मय मतलब मन उसमें लगा हुआ होना चाहिए। अब क्यों? एक तो जल्दी खा रहे हैं और दूसरा मन भी और जगह है, तो जीभ से जो संकेत जा रहे हैं, भोजन का जो स्वाद है, रस है, प्रकृति ने जो रस दिया है, उसका संकेत मस्तिष्क तक ठीक नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो पाचक स्राव ठीक नहीं होंगे और पाचन ठीक नहीं होगा। अब क्या जल्दी खाना, इसको धर्म और अधर्म के साथ जोड़ें, देरी से धीरे धीरे खाना धर्म अधर्म के साथ जोड़ें, तो परिभाषा हमारी वही है, जिससे हमारा धारण होता है वह धर्म है। अभी एक नई खोज आई है, उनका कहना है कि आजकल की अगर हम चबाते हैं, उन्होंने रसायन को भी खोज लिया है, वो रसायन आता है और वो एंटी कैंसरस है, कैंसर नहीं होता है उससे। अगर हम मुख में चबाते हैं ज्यादा तो वो स्राव, वो रसायन छूटता है प्रकृति से और भोजन में मिलता है, और वो कैंसर नहीं होने देता है, एंटी कैंसरस है, एक दवाई बना रखी है अंदर। अब आजकल ये खोजें पहले आई रही थी कि फास्ट फूड से कैंसर होते हैं, इस तरह के भोजनों से कैंसर होते हैं। अब उसमें फास्ट फूड के जो रसायन डलते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डलते हैं, वो सब तो कैंसरस हो सकते हैं, रंग डलते हैं, कलर्स डलते हैं, लेकिन फास्ट फूड चूंकि जल्दी जल्दी खाए जाते हैं, लिया थोड़ा सा किया और अंदर, और हमें वही फास्ट फूड अच्छे लगते हैं जो मुलायम होते हैं, चबाने में कम होते हैं और अंदर जल्दी से चले जाएं, स्वादिष्ट तो लगे खूब लेकिन जल्दी से चले जाएं, यानी चबाने में भी हमें मेहनत पड़ती है, उससे दांत भी खराब, मसूड़े भी खराब, और वो सब बहुत सारी चीजें हैं। तो एक छोटी सी बात है कि खाना धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, तन्मय होकर के खाना चाहिए, या तो जल्दबाजी में या मन को कहीं और रखते हुए खाना चाहिए। अब हमारे प्राचीन ऋषियों ने, हमारी परंपरा ने उसको धर्म के साथ में जोड़ दिया और हम उसको बंधन मानते हैं, बंधन मान सकते हैं आप इसको,
लेकिन ये हमें विचारना होगा कि ये हमारा धारण करता है या नहीं करता है। अच्छा, आप लोग सब स्वतंत्रता चाहते हैं, परतंत्रता नहीं चाहते। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूं विचार करने के लिए कि रास्ते में हम चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, उसमें आने जाने में स्वतंत्रता चाहते हैं या परतंत्रता चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। कैसी स्वतंत्रता? कभी भी जाएं आएं, और ठीक है इतनी स्वतंत्रता, लेकिन अगर ये हो कि सड़क पे दाईं तरफ चलें बाईं तरफ चलें, इसमें भी हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वीकार्य है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता तो पूरी वही है, जब चाहे जिस लाइन में चलें, किसी भी स्पीड में चलें, जब चाहे तब ब्रेक लगा लें या जब चाहे तब मुड़ जाएं, स्वतंत्रता तो ये है पूरी। चौराहे पे लाल बत्ती है और हमें निकलना ही है, हमें तो जाना है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम रास्ते में आते जाते अपनी स्वतंत्रता मानते हुए भी इन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं? जब हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनने लगती है, जब हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनने लगती है, इस स्वतंत्रता को हमें विचारना चाहिए, यह स्वतंत्रता ठीक नहीं है। जो स्वतंत्रता चाहते हैं, आजकल के जो नवयुवक होते हैं या नवयुवतियां होती हैं, वो नई नई बाइक आती हैं और खूब तेजी से और बहुत फुर्र से एकदम जाते हैं इधर उधर, हो सकते हैं हमारे जैसे को तो डर लगता है, आप लोगों को आनंद आता है। ट्रैफिक को तोड़ के जाते हैं तो गौरव लगता है कि कुछ शक्ति की बात हुई है, तो आत्मसम्मान की नहीं तो क्या पुलिस वाले के दबाव से चल रहे हैं। आप ये कल्पना कीजिए, आप ठीक ठीक चल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति ने अचानक मोड़ दिया। जैसे आप अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मेरे को कामना रखते हैं, पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर वो भी पूरी स्वतंत्रता रखे और अचानक मुड़ जाए और आपकी टक्कर हो जाए, आप उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे या नहीं? कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्वतंत्रता अगर सबको दे दी जाए तो हमारी स्वतंत्रता रहेगी नहीं, हमारी हानि हो जाएगी। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता रखने से सबको स्वतंत्रता दे दी तो हमारी बाधा होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो भाई हमें उतना स्वतंत्र रहना चाहिए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना आए। ये इसमें आप कसौटी डाल दी। अब सबको बाईं तरफ चलना है तो बाईं तरफ ही चलना है, ये कोई परतंत्रता नहीं है। आप कोई देखना चाहे तो इसको कह सकता है कि तो बड़ा परतंत्र है, नियम बना रखा है, यहां इतनी स्पीड से चलो, यहां पर रुको, यहां ये इंडिकेटर दो, इधर मुड़ना है, तो ये तो परतंत्रता हो गई, कोई कह सोच सकता है। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये हमारी सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए व्यवस्था है। आप सोच के देखिए, जिस चौराहे पर लाल बत्ती हरी बत्ती ना हो और कोई भी गाड़ियां आ रही हो और जा रही हो, कैसे भी आना जाना हो, जब लाल बत्ती होती है रुकते हैं तो हमारे मन में क्रोध आ जाता है। आजकल जिनको जल्दी है, आज के नवयुवकों को प्रगति की, वो लगता है कि रुकना पड़ रहा है हमारे को, परेशान हो जाते हैं, इसी से बेचैन होते हैं। और यदि आना जाना खुला छोड़ दिया जाए तो हम चौराहे को जल्दी पार कर सकते हैं या लाइट होने पर जल्दी पार कर सकते हैं, और नहीं तो फंस जाती है, जैसा भारत में कई जगह होता है, बिजली चली गई तो अब हम ध्यान नहीं रखेंगे और फंस जाते हैं, ये गाड़ी वहां आ गई, वो वहां आ गई, और फंस के रह जाते हैं, देर अधिक लगती है। तो ये जो नियम होते हैं, जैसे हम यातायात के नियमों को स्वीकार करते हैं, इन नियमों के पालन से हमारी सबकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, इसलिए ये नियम होते हैं। अब धर्म के जो और बहुत सारी बातें हैं, वहां भी यही की यही बात है। जब हम दो जने साथ साथ में रहते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम कोई चाहता है पंखा चले, कोई चाहता है खिड़की खुले, कोई बंद चाहता है, भाई बहन साथ साथ रहते हैं तो अब अलग अलग रुचि होती है। हॉस्टल में आप लोग साथ साथ रहते हैं, ये बहुत व्यापक समस्या है,
गुरुकुलों में भी है, आपके यहां भी है। देखो इतनी बड़ी समस्या है, अब ये बताइए कि धर्म क्या कहता है, यहां पर प्रश्न उठेगा ना। और हमें सब में समस्या होती है। देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेले रह नहीं सकता, ये पक्का है। कितना भी कोई अकेला रह ले, अकेला रह नहीं सकता पूरी तरह। सबके साथ में तो हमें रहना होगा, सबको अपनी उन्नति करनी है, यह भी बात ठीक है। लेकिन अब कैसे चलें आपस में, कैसे रहें, अब यहीं पर यह धर्म की बात आ जाती है, यहीं पर यही हमारे व्यवहार की बात आ जाती है। जैसे हम अपना हित चाहते हैं वैसे दूसरे का भी हित चाहें, यह धर्म में एक उपदेश दिया गया है। लेकिन हमें इसमें समस्या लगती है कि दूसरे का हित करेंगे तो मेरा हित मैं कैसे करूंगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब हम दूसरे का हित करते हैं तो दूसरा भी हमारा हित करता है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो अकेले प्रगति कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरों का सहयोग तो हमें चाहिए, दूसरों को भी आपका सहयोग चाहिए। और दूसरे आपके साथ अगर गलत व्यवहार करें तो आप उसको सहयोग दोगे उसके समय आने पर? आप बीमार पड़े, डॉक्टर के पास जाना है और साथ में कोई जा नहीं रहा है, तो जब वो बीमार पड़ेगी तब आप जाओगे साथ में? उसके मन में विचार आएगा ना कि नहीं जाना है। आपने किसी से प्रश्न पूछा अपने साथी से, इस प्रश्न का उत्तर बताओ मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसने बताया नहीं, सोचा इसको बता दिया तो इसके अंक ज्यादा आ जाएंगे। तो कभी यदि वो पूछेगा या पूछेगी तो आप उत्तर देंगे? आपके मन में क्या बात आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसने भी हमारा ध्यान नहीं रखा। हमें सहयोग तो दूसरों का चाहिए, लेकिन सहयोग दूसरों का कब मिलता है हमें? जब हम भी दूसरों का सहयोग करते हैं। बस यही तो धर्म है। ये जो परोपकार की बातें हैं कि दीन दुखी को हमें सहयोग करना चाहिए, सड़क पे दुर्घटना हो गई है, कोई पड़ा है तो उसको चिकित्सालय पहुंचाना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, एक धर्म की बात है। क्यों धर्म है? क्योंकि अगर ये परंपरा हमारे समाज में नहीं होगी तो किसी दिन हम भी तो यहां पर पड़े हुए हो सकते हैं, हमारे परिवार का भी तो कोई यहां दुर्घटना में पड़ा हुआ हो सकता है। और यदि हमने समाज को ऐसा बना के रखा कि सब अपने लिए भागे जा रहे हैं, कोई भी उसको उठा के चिकित्सालय नहीं ले जा रहा, तो ये हमारे साथ भी तो हो सकता है। लेकिन बस अधर्म यहीं प्रारंभ होता है जब व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है। तो मैं खाने के लिए भी बात कर रहा था, अब आप लोग मैं एक छोटे से दो तीन कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इसी से बहुत सारी बातें आप लोग आगे समझ लेंगे कि कैसे हम जिसको धारण करें, जिससे हमारा धारण होता है उसे धर्म कहते हैं। अब जो अच्छी तरह पचा करके खूब चबाएंगे पाचन अच्छा होगा, अब पाचन अच्छा होगा तो मल शुद्धि भी अच्छी होगी, निष्कासन भी अच्छा होगा। यदि पाचन ठीक नहीं है तो वहां भी हमारे को समस्या होती है, और पेट ठीक नहीं है, मल शुद्धि ठीक नहीं हुई है तो दिमाग भी काम नहीं करता है, आलस्य रहता है, चलने फिरने में सुविधा नहीं रहती है, और फिर उसको ठीक करने के लिए दवाइयां लेंगे। पेट ठीक नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? दवाई लेंगे। तो पहले तो जल्दी खाया, फिर पेट खराब हुआ, फिर उसको करने के लिए दवाई ली, और उसमें पैसा भी जा रहा है और उसका फिर साइड इफेक्ट और दूसरा आएगा। सुबह सुबह आपको विद्यालय जाना है, ऑफिस जाना है, और उसके लिए समय कम है, तो फिर क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में खाएंगे, जल्दी जल्दी में मुंह धोएंगे, और नहाया जैसे नहाया धोया वैसे, और कपड़े पहने और भाग रहे हैं बस, एकदम से खाना खाते ही भाग रहे हैं, एकदम नाश्ता करते ही एकदम भाग रहे हैं। तो भाई ये जल्दी क्यों? भाई थोड़ा सा पहले उठ जाते, आधा घंटा पहले उठ जाते तो अच्छी तरह से सब निवृत्त हो लेते, एक घंटा पहले उठ जाते। बोले पहले कैसे उठे? रात को देरी से सो रहे।
तो जहां हम ये सोचने लगते हैं, रात को तो सोच रहे हैं मैं पढ़ूंगा या देखूंगा, टीवी देखूंगा और सुख ले रहे हैं, लेकिन इससे चूंकि सुबह देरी से उठ रहे हैं, हमारे को अपनी दिनचर्या करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, और फिर एकदम भागना पड़ रहा है, और कभी ना बिना नाश्ता किए भी भाग रहे हैं, और क्लास में तो पहुंचना है, अब वहां फिर परेशानी हो रही है, कोई बेहोश हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, किसी को दुर्बलता लगती है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हमारा धारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो सोचना चाहिए, और बस यही धर्म है। अब और बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे तो कचरे फेंकने का है, कहीं भी कचरा फेंक दिया, अब हमें तो सुविधा लग रही है कि आया और फेंक दिया। कल ही मैं मोरबी से आज सुबह निकल करके आ रहा था, तो वहां एक दरवाजा है, दरवाजे के पास में वो कचरा बहुत सारा पड़ा हुआ, थैलियां, और वो दरवाजे के आधे रास्ते तक आया हुआ था। वो कचरा डालने का एक डब्बा म्युनिसिपल पार्टी का जो भी है वो वहां पीछे रखा हुआ था, कुछ उसमें डाला, कुछ ने उससे आगे डाला, कुछ ने उससे आगे डाला, और कुछ ने उससे आगे डाला, आधा रास्ता रुका हुआ। हम अपनी सुविधा के लिए कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे धारणा तो नहीं हो रहा है। हम ये बात बहुत कहते हैं, भारत इतना धर्म परायण राष्ट्र है, लेकिन फिर भी पीछे है, फिर भी यहां रोग ज्यादा हैं, कुपोषण ज्यादा है, समस्याएं ज्यादा हैं, क्यों? और जो दूसरे देश हैं जहां धर्म को इतना मानते भी नहीं है, या और दूसरी मान्यता है, वहां इतनी प्रगति हो रही है। तो हमें समझना होगा कि धर्म है क्या। अब कचरे को ठीक जगह पर फेंकना ये धर्म है। वो लोग भले ही कोई मान लो नास्तिक है, कम्युनिस्ट देश है, ईश्वर को नहीं मान रहे, लेकिन कचरे को ठीक जगह डाल रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं, ये धारण कर रहे हैं। जहां हमारे यहां ट्रैफिक में कहीं रुक जाते हैं तो एक जने आके खड़े होते हैं, और पीछे वाले जल्दी आने के लिए उससे आगे 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 बगल में भी सारे खड़े हो जाते हैं, और भर जाता है वहां पर क्रॉसिंग में, सब सोचते हैं हमारे को जल्दी जाना है, और होती उससे देर है। मैं एक मूल बात और आकर के कह करके जो पिछली घटना से संबंधित थी अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, फिर आपके प्रश्न उत्तर का समय रहेगा। उस डॉक्टर की बात, जिस डॉक्टर ने कहा कि मैं धर्म कैसे कर सकता हूं, अगर धर्म करूंगा तो कमाऊंगा क्या और घर का पालन कैसे करूंगा। लेकिन अगर जब हम इस परिभाषा को देखेंगे, एक चिकित्सक यदि ठीक शुल्क लेकर के, ठीक फीस लेकर के, ठीक ठीक इलाज कर रहा है, पैसा ले रहा है, लेकिन ये भी धर्म है। धर्म को आप व्यवहार से अलग करके नहीं देख सकते, ये धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि आप चिकित्सा नहीं करोगे तो रोगी मरेगा। आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला उचित पैसे लेकर के ठीक चीज दे देता है, जैसा बोला है वैसा दे देता है, पैसे का लेन देन हुआ है, इसको हम स्वार्थ कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं धर्म नहीं है, लेकिन ये धर्म है। बिना मिलावट के ठीक चीज देना ये धर्म है। धर्म को हम पूरे दिन कर सकते हैं, और धर्म है ही पूरे दिन की चीज, ये धर्म सुबह शाम के लिए नहीं है मात्र, धर्म पूरे दिन के लिए है, हमारे हर व्यवहार के लिए है। यदि वकील ये कहे कि मैं अपराधी को बचाऊंगा, ये तो मेरा पेशा है, मेरा धंधा है, ये धर्म नहीं कहलाता है। हाँ, अपराधी को अधिक दंड ना हो, उचित ठीक ही मिले दंड, ये व्यवस्था वो कर सकता है। कोई निरपराध है उसको दंड ना मिल जाए, ये व्यवस्था कर सकता है। लेकिन आज का समाज कैसा बन गया है, बहुत सारे वकील पता है ये अपराधी है, उसको भी बचाने का प्रयास करते हैं, कारण उसे पैसा मिलेगा, पैसा कमाएंगे। अब इससे हमारा धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज का धारण नहीं हो रहा है। यदि हम अपने धारण में लगे रहेंगे तो समाज का धारण नहीं होगा और हमारे को भी हानि होगी, इसे धर्म नहीं कहलाता। सीए है, वो विभिन्न कंपनियों में रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं, आप में से भी कितने सीए बनेंगे या वकील बनने की इच्छा वाले होंगे, वो ये सोचे कि कैसे पैसे को, टैक्स को बचाया जाए, कैसे झूठ बोल के, हेरा फेरी करके, आजकल इसी तरह हो गया है बहुत सारा, ये धर्म नहीं है। क्या आपको ये स्वीकार्य होगा, कोई डॉक्टर आए वो कहे कि ये तो मेरा धंधा है, वो दवाइयों में से कमीशन लेता है 30-40-50%, आपकी हर टेस्ट में से कमीशन लेता है,
जो टेस्ट आपको नहीं करने हैं, आवश्यक नहीं है, वो भी लिखता है और वो कहे ये मेरा तो धंधा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता, ये धर्म नहीं होता, क्योंकि इससे हमारा धारण नहीं होता, इससे हमारी हानि होती है। तो धर्म का मतलब जिससे हमारा धारण होता है, ये एक मूल परिभाषा है। आप अपने दिन भर के क्रियाकलापों में देखिए, जिससे आपका धारण होता है, समझ लीजिए धर्म है, मुझे करना है, कोई आपत्ति नहीं है, ये भी धर्म है। वो चाहे आपका शरीर से संबंधित हो, अपने परिवार से संबंधित हो, राष्ट्र से संबंधित हो, विश्व से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, जिससे भी धारण होता है वो धर्म है, ये परिभाषा आप लगा लीजिए। और उस परिभाषा पे जो चीज आएगी उसको दुनिया के किसी भी मत संप्रदाय में जाकर के कहिए कि क्या ये धर्म है या नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा। अब सत्य बोलना है, उससे हमारा धारण होता है, दूसरों का धारण होता है, तो किसी से भी जाके पूछो, कहेंगे हाँ सत्य तो धर्म ही है, अहिंसा धर्म ही है, चोरी न करना धर्म ही है, क्योंकि इससे हमारा धारण होता है। ये एक कसौटी है, कहीं संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो चीज आपको ये लगे कि इससे धारण नहीं हो रहा है मेरा और दूसरों का धारण नहीं हो रहा है, मेरा धारण हो रहा है लेकिन दूसरों की हानि हो रही है, ये धर्म नहीं है। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, किसी को भी धर्म कहता रहे, किसी को भी अधर्म कहता रहे, लेकिन जिससे धारण हो रहा है वो धर्म है। यही धर्म का मूल स्वरूप है और इसको हमें व्यवहार के अंदर लाना है। जितना हम लाएंगे उससे हमारा ही धारण होगा, और इस तरह के कार्यों को जब हम नहीं करेंगे, यानी धर्म की का नाश करेंगे, तो फिर वो बात है धर्म एव हतोहंती। धर्म का नाश करेंगे तो हमारा नाश होगा। हाथ धोना, इस नियम का हम नाश करेंगे, धर्म का नाश करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, हमारे को रोग हो जाएंगे। और धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की जब हम रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। धर्म वास्तव में हमारी रक्षा के लिए ही है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं और इस दृष्टि से परीक्षा करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अपना निर्णय होगा, हम अपने आप में संतुष्ट रहेंगे, नहीं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और हम उसी रास्ते पे चलते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपनी बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो मैं अपने वक्तव्य को तो यहीं समाप्त करता हूं, और अब जो समय है वो आपके प्रश्न उत्तर का है। धर्म के बारे में एक कथन ये प्रचलन में है कि धर्म में प्रश्न नहीं करना चाहिए, धर्म में प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न उत्तर किया तो शंका हो गई, बुद्धि में प्रश्न उठाया। लेकिन अपनी प्राचीन परंपरा में प्रश्न पूछने के लिए कहीं मनाही नहीं है। दर्शनों में, वेद में प्रश्नोत्तर के द्वारा किया जाता है। जैसे विज्ञान साइंस प्रश्नोत्तर से समझ में आता है, तो ऐसे आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछ सकते हैं। मैंने जो बोला है उसमें अगर आपको कोई बात गलत भी लगती है, कोई बात समझ में नहीं आई है, उसको भी आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मन में बिल्कुल भी शंका ना लाएं, मेरे को बुरा लगेगा या और कुछ होगा। आपके मन में धर्म व्यवहार के बारे में जो समस्या हो, अपने वास्तविक व्यवहार को लेकर के, काल्पनिक बातों को लेकर के अभी ना जाएं। थोड़ा सा समय है, आपके जीवन में धर्म से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, व्यवहार की समस्या आ रही हो, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। आपका सबका स्वागत है। मन में घबराने की बात नहीं है कि इतने लोग बैठे हैं क्या होगा, प्रश्न सबके मन में होते हैं, सबके मन में प्रश्न होते हैं। व्यवस्था खातर अपने शांति थोड़ी राखिए। અને જેમણે પ્રશ્ન પૂછવો છે, આગળ ભાઈઓએ પણ મને વાત કરી હતી કે મારે પ્રશ્ન પૂછવાનો છે, જેમણે પણ પ્રશ્ન પૂછવો છે, કોઈ એક શરૂઆત કરો એટલે બાકી બધી શરૂઆત થઈ જશે। હાથ ઉપર, પ્રશ્ન ત્યાંથી કરે છે। આજકાલ બસ તાળીઓ પાડવી નથી, બસ આ પૂછે। આજકાલ જો ધર્મ કે નામ પર અલગ અલગ સંપ્રદાય હૈ જી, વો ધર્મ સે જ્યાદા પૈસા બનાને મેં જ્યાદા લગતા હૈ જી, उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। संप्रदाय लगभग हर संप्रदाय ऐसा है कि उसमें धार्मिक भावना कम होती है और समाज में है पैसा कैसे पैदा करना उसका मुख्य होता है। अगर धर्म की परिभाषा उनको समझा दी जाए और वो समझ लें
और जनता भी ये समझ ले कि धर्म है क्या। अगर केवल पैसे कमाना है और उसको वो धर्म ले रहे हैं, शोषण करना है, तो इससे धारण नहीं हो रहा। तो जनता अगर समझ जाएगी तो वो सहयोग नहीं करेगी। यही समझ ही उपाय है, धर्म का स्वरूप हमें समझ में आ जाए। अब इतना धन लेकर के, और बहुत बार हमारे मंदिरों में बहुत बड़े बड़े खजाने अभी मिल रहे हैं, पड़ा है वो धन, वो जनता के उपयोग में नहीं आ रहा है, व्यर्थ के कामों में जा रहा है। तो ऐसी जगह पे दान न देना, सहयोग न करना, अपने आप सुधर जाएंगे। हमें देखना है कि यहां जो धन दिया जा रहा है इसका सदुपयोग हो रहा है, तो ये धर्म है, वो देना चाहिए। और अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वहां धन नहीं देना चाहिए, उसमें पाप लगता है हमारे को, क्योंकि हम गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमने धन दे दिया तो हमारा पुण्य हो गया, गलत जगह दान देंगे तो हानि होगी और अधर्म होगा। जैसे जनता में बहुत से नशा करने वाले होते हैं और भीख मांगते रहते हैं, हम सोचते हैं हमने तो दे दिया, हमारा तो पुण्य हो गया, वो उसका जाके नशा करेगा, चोरी और कुछ गलत कार्य करेगा, ये हमारा धर्म पुण्य नहीं होता है। हर किसी को देना पुण्य नहीं है, दान देने में भी धर्म की परिभाषा है, जिससे धारण हो, सबका हित हो, वहां देना चाहिए, वो धर्म है, और जहां हित नहीं हो रहा है वहां नहीं देना चाहिए, तो अपने आप चीजें कम हो जाएंगी। हाँ, पीछे। हमें कई बार आध्यात्मिकता और धार्मिकता की चर्चाएं की है, पर हमें ये पता नहीं है कि उसकी परिभाषाएं क्या है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता, उसके उसका क्या फर्क है? आध्यात्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है? जी बैठिए, देखिए, धर्म की मैंने परिभाषा आपके सामने विस्तार से रखी है। जो धर्म के अनुकूल आचरण है उसे ही धार्मिकता कहते हैं, धर्म के अनुकूल आचरण को धार्मिकता कहते हैं। अब इनका प्रश्न है कि एक आध्यात्मिक प्रश्न हो रहा था कि आध्यात्मिक क्या होता है। तो आध्यात्मिक का सामान्यतः हम समझते हैं कोई आत्मा परमात्मा और कुछ समाधि और ऐसी कुछ बात है। संस्कृत के शब्दों से ही उसका अर्थ हम निकालते हैं। अध्यात्म शब्द में दो बातें हैं, एक है अधि और एक है आत्म, जोड़ करके अध्यात्म बनता है। अधि का मतलब होता है ऊपर, उसके विषय में, उसके बारे में, किसके बारे में? आत्मा, आत्मा के बारे में। जो आत्मा के बारे में होता है, जहां आत्मा को ध्यान में रख करके कर्म किए जाते हैं उसे आध्यात्मिक कहते हैं, और जो आत्मा को ध्यान में रख करके कर्म करता है ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं। और यही आध्यात्मिकता है, अपनी आत्मा का ध्यान रखते हुए कर्म करना, ये आध्यात्मिकता है। एक उदाहरण देता हूं, वैसे तो हर व्यक्ति अपने लिए करता है, जो भाग दौड़ रहा है वो भी अपने लिए कर रहा है, बहुत सारा सौंदर्य प्रसाधन भी है वो भी अपने लिए कर रहा है, लेकिन उससे अपना हित तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें सोचने की बात है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर उससे तनाव पैदा हो रहा है, उससे हमारे को रोग पैदा हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहां हुआ? धन के पीछे भागते हुए यदि खाने का भी समय ना मिले और बीमार पड़ता रहे व्यक्ति, ये अपने लिए कहां सोचा उसने? ये आध्यात्मिकता नहीं है। लेकिन हम जिसको मैं समझते हैं, अपना समझते हुए भी दूसरे कामों में ऐसे लग जाते हैं कि अपना हित नहीं सोचते। जैसे कि एक मकान हो, ये हॉल ही है, इसका अपना धर्म है, इसकी कुछ रख रखाव होना चाहिए, रंग रोगन होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें ऐसा रंग रोगन हो जिससे हमारे को एलर्जी हो, हमारे घर में ऐसा रंग हो गया जिससे हमारे को एलर्जी हो रही है, छींकें आ रही है, खुजली हो रही है, ऐसा रंग हो गया जो हमारी आंखों में चुभ रहा है, हमारे को सिर दर्द पैदा कर रहा है, तो ऐसा मकान को पेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए? मकान सुंदर दिख रहा है, लेकिन मकान में रहने वाला जो है उसके प्रतिकूल यदि वो जा रहा है, तो ऐसा रंग उस मकान में नहीं करना चाहिए। हम सब समझते हैं, किसी तरह से ये शरीर हमारा मकान है, और इसके अंदर जो ये चेतन है, हम जो समझ रहे हैं, सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, ये हम इसमें रहने वाले हैं, ये घर, ये हमारा घर है, ये शरीर हमारा घर है। इस शरीर के लिए कोई ऐसी सजावट करना जिससे आत्मा को हानि होती हो, हम करते रहते हैं ऐसा। मकान के संदर्भ में तो समझ जाएंगे, लेकिन शरीर के संदर्भ में नहीं। ऐसी ऐसी चीजों का उपयोग जिससे आत्मा की हानि होती हो, अधर्म होता हो, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो अपने प्रत्येक कर्म को आत्मा को ध्यान में रख करके करता है,
वो आध्यात्मिक है। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता शब्द दोनों के अलग अलग हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन अंदर का तात्पर्य दोनों का एक ही है। क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर जो कुछ किया जाता है वो बहुत सारा आडंबर होता है, बाह्य क्रियाकलाप होते हैं, उसमें कुछ अच्छा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए लोगों ने आध्यात्मिकता को अलग कर दिया कि नहीं आध्यात्मिकता अच्छी है, धर्म में तो कुछ गलत बातें भी हैं। वास्तव में धर्म भी उतना ही शुद्ध और पवित्र है जितनी की आध्यात्मिकता। दोनों का अर्थ एक ही है, अंदर से जाके दोनों एक ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने धर्म की परिभाषा में भी कहा, जिससे धारण होता है, जो हमारा धारण करता है, यानी हमारी चेतन आत्मा का हित करता है, और अध्यात्म भी वो ये है, आत्मा के विषय में जो हो, आत्मा के लिए जो हित कर हो, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। इसलिए यदि आप धर्म की इस परिभाषा को लेंगे तो अध्यात्म और धर्म में कोई भेद नहीं मिलेगा, दोनों एक ही बात है। को अगला प्रश्न। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये भारत हिंदू राष्ट्र है जी, इसमें धर्म की परिभाषा से किस तरह से समझाया जाए कि कई लोग हिंसा कर रहे हैं, मांसाहारी का खुराक ले रहे हैं और उसको जीव हिंसा कर रहे हैं, तो जीव हिंसा कम कैसे हो सकती है? जी बैठिए। देखिए, ये जितने भी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं उसमें समझाना ही मुख्य प्रयोजन है, उनको ये समझाना कि ये इससे हित है या नहीं, वो उसमें अपना हित समझ रहे हैं इसलिए वो उसको अपना मान करके चल रहे हैं। लेकिन परिभाषा सब जगह यही रहेगी, उनको समझाया जाता है, समझाने से भी होता है, और अगर समझाने से नहीं होता है तो राष्ट्र का धर्म का नियम भी बनाना आवश्यक है। जैसे कि मैंने मार्ग के यातायात का कहा, अगर नियम के अनुसार कोई नहीं चल रहे हैं तो वहां कुछ कठोरता निगरानी भी की जाती है, क्योंकि अपनी अपनी पूरी स्वतंत्रता दे दी तो धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसलिए मूल बात यही है, जिससे हमारा हित होता हो और उसको स्वयं भी पालन करना है, और कोई उसका विरोध करता है तो उसको पालन करवाने की व्यवस्था भी शासन की होती है, ये भी धर्म के अंतर्गत ही आता है। हाँ पूछिए। नमस्ते स्वामी जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मोक्ष क्या है और मोक्ष कैसे मिलता है? जी बैठिए। देखिए, मोक्ष के लिए एक शब्द और भी है, मुक्ति। मोक्ष के लिए एक शब्द और भी है, मुक्ति। दोनों समान ही है, दोनों समान ही है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मन में आता है कि इस पढ़ाई से कब मुक्ति मिलेगी? पांच साल हो गए, दस साल हो गए पढ़ते हुए, अब घर वाले भी कहते हैं कब इस पढ़ाई से मुक्ति मिलेगी, मन में आता है। तो मुक्ति का मतलब है छुटकारा, मुक्ति का मतलब है छुटकारा, और मोक्ष का मतलब है छुटकारा। तो छुटकारा हम किससे चाहते हैं? और मैं आपके हॉस्टल में आप लोग रहते हैं तो कभी कभी होता है, इस पार्टनर से कब मुक्ता छुटकारा होगा, और यही बात शादी में भी होती है। शादी करने के बाद में बहुत से लोग तो ये तो मैंने आपके सामने मुक्ति या मोक्ष का अर्थ बताया, शाब्दिक अर्थ बताया, और हर व्यक्ति हर आत्मा दुख से छूटना चाहता है भी। हम किसी से छुटकारा क्यों चाहते हैं? चाहे मनुष्य हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई भी हो, क्यों छुटकारा चाहते हैं? क्योंकि उससे दुख आ रहा है, उससे कोई बाधा आ रही है। तो इस संसार में रहते हुए जब आत्मा को ये लगने लगता है कि भाई संसार में दुख बहुत है और इससे मुझे छूटना है, ये आत्मा की स्वाभाविक इच्छा है, सबके मन में आएगी, तो वो स्थिति जहां दुखों से पूरी तरह छूट जाते हैं, जहां कोई दुख नहीं रहता और परमात्मा के आनंद की प्राप्ति होती है, उसे मुक्ति कहते हैं, उसे छुटकारा कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही धर्म है, यही अध्यात्म है। जब आप सुबह उठ करके या रात को अध्ययन करते हैं, कष्ट होता है अध्ययन करने में, व्यायाम करने में कष्ट होता है, लेकिन हितकर है इसलिए करते हैं। इसी तरह से अन्य आचरणों को भी धर्म के अनुकूल करते जाते हैं, संसार के दुख देख के उससे अलग होते हैं और अपने को अच्छा करते जाते हैं, ये उपाय है, उसके लिए योग साधना है। अष्टांग योग का वर्णन योग दर्शन के अंदर विस्तार से किया गया। ओ अगला प्रश्न। हेलो जी, माय सेल्फ रादरिया जरा, आई एम डायरेक्टर एंड
मुझे आपने बोला कि धर्म है जिससे खुद का धर्म है, यानी कि खुद का कल्याण, और धर्म वो भी है जिससे खुद का और दूसरों का हो। पर अगर कोई ऐसी क्रिया ले ले जिसमें हम खुद का नहीं सोचते और दूसरों का सोचते, जैसे खुद अपनी मम्मी को ले ले, तो वो क्या है, अपना नहीं सोचती कभी, दूसरों का ही सोचती, तो क्या हम इसको धर्म में इंक्लूड कर सकते? जी बैठिए। देखिए, धर्म की जो पहली परिभाषा है जिसमें अपना हित हो, वो ठीक बात है, लेकिन अपना हित करने में दूसरों की हानि हो रही हो वो धर्म नहीं कहलाएगा। यहां तक बात हो गई। अब आपका कहना है कि जिसमें अपना हित ना हो केवल दूसरे का हित हो उसे धर्म कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? आप अपनी माताजी से जाके पूछिएगा कि आप लोग जो हमारे लिए इतना करते हैं, जब हम छोटे थे हमारा मलमूत्र भी साफ करते थे, हम कुछ भी बोलते हैं सहन करते हैं, हमारे लिए इतना करते हैं, इससे आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। मां को जो सुख मिलता है वो अपना है। हाँ, मां जब दूसरे के लिए करती है केवल बच्चों के लिए तो भी उसको अपना मिलता है, उसका पुण्य बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे समाज में या विश्व में भी इस तरह की बातों को लेकर के दूसरों का शोषण भी किया जाता है। मां का आपने उदाहरण दिया, मैं उस संदर्भ में लूं, अच्छे अर्थ तक ठीक है कि बच्चे चाहते हैं, पति चाहता है, सब चाहते हैं मां अच्छा भोजन बनाए, सबके लिए हितकर हो, सबका ध्यान रखे, सबको खिला करके खाए। लेकिन अब फिर धर्म की परिभाषा लाएंगे। अब मां तो रोज खिला रही है और बच्चे आकर के ज्यादा खा लेते हैं, पति भी किसी को ले आया अतिथि को और खा लिया और बाद में बचा नहीं। अब मां ने थोड़ा सा खा लिया, कुछ भी खा लिया, एक दिन दो दिन घर में सामान नहीं है, बच्चों को मां खिलाई जा रही है, अपना ध्यान नहीं रख रही है, तो समाज इसको बहुत अधिक महिमा मंडित करता है परोपकार मान करके। अब यहां पर यह कसौटी आती है, दूसरों का हित करना चाहिए लेकिन यदि उससे अपना भी इस तरह से अहित हो रहा हो और दूसरे लोग धर्म के नाम पर हमारा शोषण कर रहे हो, हमारी भावनाओं का शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, हमारी भावनाओं को बढ़ा के, आप तो बहुत अच्छे हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, ऐसे समाज में जो अति स्वार्थी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेल के उसको सूली पे चढ़ा देते हैं, उसको ऊपर ऊपर ले जाते हैं। ऐसी जगह पे हमें सोचना चाहिए कि यदि ये धर्म है तो इनका भी तो धर्म है। क्या बच्चों का या पिता का पति का धर्म नहीं है वो ये देखे कि मां को या पत्नी को मिला है या नहीं है, या स्वयं बिना सोचे कुछ भी कुछ खा जाएंगे, इससे धारण नहीं होगा। इसलिए आप भी कभी माता बनेंगे, आप भी पिता बनेंगे, आपको अपने बारे में भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी ध्यान रखना है। अगर केवल दूसरों के लिए कर रहे हैं और अपना हम हानि कर रहे हैं ये धर्म नहीं है। कई जने समाज सेवा में ऐसे लग जाते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, न खाने की सुध है न पीने की सुध है, जैसे पैसे कमाने वाला भूख खाना नहीं खाता है ऐसे समाज सेवक भी ऐसा हो जाता है और हम उसको बहुत चढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारे समाज सेवक फिर जल्दी बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं। मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूं ये धर्म नहीं है। अपना ध्यान रखते हुए अपना भी धारण हो और फिर हम दूसरे का धारण करें, दूसरे का हित करने से और हमारा हित होगा, ये एक सीमा है धर्म की। तो हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, धर्म के नाम पर यदि हमारा शोषण हो रहा है भावनाओं को जगा करके, वहां समझना चाहिए कि इससे मेरी हानि हो रही है, क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है। मान लीजिए कई बहनें हैं, घर में पैसा कम है, पिताजी का देहांत हो गया है, अब बड़ी बहन को नौकरी करनी पड़ रही है क्योंकि छोटे भाइयों को पालन करना है, नहीं तो घर कैसे चलेगा, मां कमा नहीं सकती है, वो थोड़ी सी पढ़ गई और उसको नौकरी पे जाना पड़ा जबकि उसको और पढ़ना था। अब सब उसकी प्रशंसा करते हैं, एक सीमा तक ठीक है, अब वो बहन लगी रही काम में लगी रही और उम्र भी ज्यादा हो गई और उसका विवाह भी नहीं हुआ। उसने अपने भाई को बहन को पढ़ाया, खूब अच्छा पढ़ाया, जितना स्वयं नहीं पढ़ सकती थी पढ़ाया, उनके शादी ब्याह किए, नौकरी की, और वो छोड़ के चले गए। ऐसी स्थिति में उस बहन का, बड़ी बहन का भी कर्तव्य बनता है वो सोचे कि मेरा शोषण तो नहीं हो रहा है भावनाओं के नाम पे कि ये मेरे भाई बहन हैं, हमारे यहां बहुत ऊंचा बढ़ा दिया जाता है, ये कैसे भाई बहन है जो उसको छोड़ के चले जाते हैं। बड़ी बहन ने शादी तक नहीं कराई अपनी,
बच्चों के अपने भाइयों के पालन पोषण के लिए, और वो उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब उनको वो बीमार होती है तो क्या मेरे पास समय नहीं है, मेरे को नौकरी पे जाना है, पत्नी आ गई तो बोले अलग रहना है, अब वो अकेली रहेगी अपने जीवन में, माँ भी चली गई पिता भी चले गए। ऐसा परोपकार ये धर्म में नहीं आता है, ये स्वयं ना समझी से किया हुआ गया कर्म है। अपना हित सदा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा धारण नहीं हुआ, उस बड़ी बहन का धारण नहीं हुआ। धर्म तब चलता है दूसरे भी उस पर ध्यान दें, परस्पर चलता है। तो यही बात मां के ऊपर भी है, कई बार बहुत माएं क्षीण हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें माओं को भी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न पूछिए। नमस्ते, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी आपने कहा कि हमें धर्म को व्यवहार से जोड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम में से सभी लोगों की यह समस्या होगी कि हम जानते हैं कि यह हमारा धर्म है, यहाँ पर कचरा नहीं फेंकना है, हमें बड़ों का सम्मान करना है, ये हमारा धर्म है, पर कहीं ना कहीं कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हम इसे अमल में नहीं ले पाते या फिर लंबे समय तक हम इस पर टिक नहीं पाते, तो इसका क्या कारण है और ऐसा करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम धर्म को व्यवहार से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकें। आपने जो कहा कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम उसको कर नहीं पाते हैं, हमें ये सोचना होगा उस समय कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है। हम कचरे को ठीक जगह नहीं फेंक पा रहे, हम गाड़ी में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं, केला खाया आम खाया और कचरा कांच को नीचे किया और वहीं छोड़ दिया। अब गाड़ियों में देखेंगे, हमारे यहाँ भारत में बहुत होता है, रेल में खाया वहीं की वहीं छोड़ दिया, मूंगफली खाई कागज हुआ वहीं की वहीं छोड़ दिया। कौन सी मजबूरी है, कौन सी परिस्थिति है? जो जानकार व्यक्ति समझदार होगा, हमने खाना खाया डब्बा हुआ उसको समेट करके रखेंगे। हम परिस्थिति ये कह देते हैं यहां कोई कूड़ादान ही नहीं है मैं क्या करूं, कूड़ादान नहीं है डस्टबिन नहीं है कोई बात नहीं है, हम एक थैली और ले जा सकते हैं साथ में जिसमें उस कूड़े को रख सकते हैं और जहां उपयुक्त जगह वहां पर डालें। ये सड़क कचरादान नहीं है हमारा, हम चलते सड़क कहीं भी डाल दें, अगर हमें खाना है तो व्यवस्थित खाएं, कुछ रखें अपने साथ में। तो जो परिस्थिति का कारण आपने बताया, वास्तव में वहां कोई मजबूरियां नहीं होती, बहुत कम मिलेगा, अधिकांश हमारा दोष हमारे आलस्य के कारण से है। हम सोचते हैं इसमें हमारे को कठिनाई पड़ेगी, कचरे को कहां इकट्ठा रखेंगे, हम सरलता के लिए कहीं भी कर देते हैं, अब कहीं भी थूकते हैं भारत वाले, भारत में कहीं भी लघु शंका पेशाब कर देते हैं क्योंकि वहां जाना पड़ेगा, वहां थूकना पड़ेगा, जहां चाहे वहां पर कर दिया, ये कोई परिस्थिति नहीं है। हम जिस भी स्थिति में हो हम तो अच्छी तरह से कर सकते हैं, हम आलस्य से बचें, आलस्य के कारण से ऐसा होता है। हम इसको हमें ध्यान हो कि हमारे लिए हित करे, और ऐसा करने से मेरे को पाप लगेगा, ये अधर्म है इससे मेरे को पाप लगेगा, तो पाप का ध्यान में रख करके हम इससे बचें, अपना कर्तव्य माने मुझको धर्म करना है, इससे अपने आप में बहुत संतोष होगा। जो व्यक्ति इन चीजों का ध्यान रखता है, थोड़ा कष्ट भी सहन करता है, आता है जाता है, उसको अंदर बहुत अधिक संतोष होता है, और ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। ये जो बाहर की संपत्तियां हैं इससे भी हमें संतोष होता है, लेकिन ये अंदर की संपत्ति भी जिसके पास होगी वो अंदर से खोखला नहीं होगा, वो बहुत शांति से जीवन जी सकेगा। तो इन लाभों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जहां परिस्थितियां होती है वहां भी हम अपने को ठीक आचरण कर सकते हैं, और बहुत कम स्थितियां बनेंगी जहां मजबूरी होगी। यहाँ युवक थे जी। नमस्ते जी, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान को ईश्वर का रूप देने का हक है, किसी भगवान का रूप देने का हक है जी। बैठिए। इनका प्रश्न है क्या इंसान को भगवान का रूप देने का हक है? देखिए, भगवान का जैसा रूप है उसको वैसा ही स्वीकार करना, इसका हमारे को हक है। लेकिन जैसा परमात्मा नहीं है उस रूप में प्रस्तुत करना, इसका हमारे को हक नहीं है। ये परमात्मा के संदर्भ में छोड़ो, आप दुनिया की कितनी भी चीजें हैं, कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, साबुन है, पेस्ट है, जैसा वो नहीं है वैसा वो प्रस्तुत करे तो हमको स्वीकार्य होता है क्या? नहीं। मिठाई डालडा घी की है, वनस्पति की, और हम कहें देसी घी की है, हमें स्वीकार्य है क्या? नहीं। ये धर्म के अंतर्गत नहीं आता है। धर्म में पक्षपात रहित न्याय पूर्वक व्यवहार होता है हमेशा। तो
जो चीज जैसी है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये धर्म है। क्योंकि हम सब ऐसा ही चाहते हैं। आप कभी भी नहीं चाहोगे किसी भी दुकान पे जाएं कि ये माल कुछ हो और वो दूसरे ढंग से हमारे को बताएं। हम सदा ये चाहते हैं जैसा है वैसा बताया जाए, ये ही उचित है, ये ही धर्म है। तो हमें परमात्मा जैसा है वैसा प्रस्तुत करने का तो अधिकार है यथावत, लेकिन जैसा नहीं है वैसा अगर हम प्रस्तुत करते हैं ये हमारे अधिकार की बाहर की बात है। इसलिए धर्म बदनाम हो रहा है। विज्ञान में हर चीज जैसी है वैसी प्रस्तुत की जाती है तो अच्छा लगता है, और विपरीत लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात ईश्वर पे भी लागू होगी। और नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम महावीर राठौड़ है और मैं आर्ट्स महाविद्यालय से आया हूँ। स्वामी जी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप धर्म मानते हैं? मैं धर्म को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। हाँ तो मैं भी धर्म को मानता हूँ जी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कि हमारे भारत देश में दोनों कौम वाद के लोग रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, दोनों में फिर भी क्यों ये झगड़ा होते रहते हैं? हमारे उसमें दोनों में खून एक ही है तो भी क्यों झगड़े होते हैं? अगर धर्म को ठीक समझ लिया जाए तो झगड़े कभी नहीं होंगे। झगड़े किस लिए हैं? क्योंकि धर्म को ठीक नहीं समझा गया इसलिए हैं। जिस जो धर्म नहीं है उसको धर्म जब समझ लिया जाता है तो झगड़े होंगे। तो वास्तव में धर्म झगड़े नहीं करवाता है, ये ध्यान दीजिए। ये कहने में आता है कि इस धर्म के कारण से झगड़े होते हैं। लोग बहुत कहते हैं कि संसार में धर्म के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, ये धर्म को दोष कर देते हैं। वास्तव में वो धर्म था नहीं, धर्म के नाम पर जो अधर्म था उसको धर्म मान करके और ये सब अन्याय अत्याचार किए गए, हत्याएं की गई। इसलिए धर्म कभी भी हिंसा की बात नहीं करता, धर्म तो स्वयं का हित और दूसरों का हित दोनों की बात करता है। ओ नमस्ते स्वामी जी, जी आपने बोला कि सत्य बोलना धर्म है जी। पर कभी हमारे समक्ष ऐसी स्थिति आती है कि हम असत्य बोलते हैं तब किसी का भला होता है। जब हमारे समक्ष ऐसी स्थिति आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए या असत्य बोलना चाहिए? जी तो सबसे पहले हमें ये विचार करना है। अभी आपसे मैं पूछूंगा कुछ, आप उस परिस्थिति को बताइए क्योंकि तब अच्छी तरह से स्पष्टता आएगी। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहां आपको लगता है कि सत्य बोलने से हानि हो रही है और असत्य बोलने से लाभ हो रहा है? अगर सत्य बोलेंगे तो हानि होगी और असत्य बोलेंगे तो दूसरे का लाभ होगा, वो परिस्थिति बताइए, उदाहरण बताइए। मेरा ये मानना है कि आप वो परिस्थिति बताएंगे, वहां भी दूसरे का हित किसमें है वो आपको मैं बताऊंगा। आप उदाहरण बताइए, जिन्होंने प्रश्न पूछा था वो उदाहरण बताइए, उनके जीवन में जो परिस्थिति आई आपके। बैठ खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, घबराना कुछ नहीं है, निसंकोच आप उस उदाहरण को बताइए कि देखो यहाँ ये मजबूरी थी। जैसी मजबूरी मेरे समक्ष कभी आई नहीं, पर जब आए तब तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा ये ठीक है, आपके पास ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन दूसरों को आपने ऐसी किसी परिस्थिति में देखा है? देखा है कभी? उसका उदाहरण बताइए, बताना आपके विचार आए तो। देखिए इसमें ये सोचना है, मैं कुछ उदाहरण दूं। जैसे कि हम ये कहते हैं किसी को कैंसर है और डॉक्टर ने कहा भाई ये तो 2 महीने जीवन चलेगा, तो घर वाले क्या सोचते हैं? इनको बताना नहीं चाहिए। डॉक्टरों में भी मतभेद है, कोई इसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसको बता दिया तो इसको हानि हो जाएगी, जल्दी मर जाएगा। अब यहां ये विचारना है कि अगर सब डॉक्टर ऐसे ही करने लगे, नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा आपका, ठीक चिंता मत करो, उसने ये तो नहीं बताया कैंसर है, अरे चिंता मत करो हो जाएगा ठीक, घबराओ मत। अब ये झूठ बोल रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है हो जाएगा ठीक, झूठ बोल रहा है ना ये। अच्छा इस बात का हम सबको पता है ना कि डॉक्टर लोग ऐसा करते हैं, करते हैं। अच्छा जब हम फिर जाएंगे और डॉक्टर इसी भाषा को बोलेगा तो हम क्या समझेंगे?
हम डॉक्टर की बात मान जाएंगे क्या कि हाँ ये डॉक्टर कह रहा है वो ठीक कह रहा है? अच्छा कभी ऐसा भी होगा कि वास्तव में हमारे को कोई बड़ा रोग नहीं होगा, छोटा ही रोग है और डॉक्टर वास्तव में सत्य बोल रहा है कि नहीं आपका ठीक है हो जाओगे, लेकिन आपके मन में शंका है कि पता नहीं ये डॉक्टर सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, होगा या नहीं ऐसा? तो डॉक्टर के झूठ बोलने से ऐसी परिस्थिति, इसको इस उदाहरण को देते हैं लोग, भाई उन्होंने नहीं दिया, मैं उस तरह का उदाहरण बता रहा हूं, लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कहने से रोगी की हानि नहीं होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको मन में और शंका पैदा होती है। एक और उदाहरण देता हूं कि कई बार वाहनों की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहां से सूचना देते हैं, फोन करते हैं, भाई दुर्घटना हो गई, और वो दुर्घटना में मर गया एक परिवार का व्यक्ति, बच्चा मर गया, पिता मर गया, मां मर गई, कोई भी मर गया, तो सूचना क्या देते हैं? ऐसा नहीं देते ना कि मर गया है, क्या कहते हैं? चिंता मत करना, थोड़ी दुर्घटना हुई है, हॉस्पिटल में गए। वो कहते क्यों कहना चाहते हैं? बोले हमने सूचना दी तो वो उसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। अब कभी वास्तव में थोड़ी सी दुर्घटना हुई हो और आप उसको कहेंगे, हमेशा तो बड़ी दुर्घटना नहीं होती, छोटी दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, और हम उनको कहेंगे कि भाई दुर्घटना हो गई है, तो घर वाले माता पिता क्या सोचेंगे? ये बता नहीं रहे, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात हुई है, जो जहां चिंता नहीं हो सकती है वहां भी चिंता होने लगेगी। तो अपनी बात हम ठीक तरह से कह सकते हैं। बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखो आपको कैंसर हो गया है और मेरी जानकारी में आप 2-3-6 महीने के मेहमान हो, इस बीच में आपको जो करना है कर लीजिए, भक्ति करनी है, दान पुण्य करना है, वसीयत लिखनी है, वो आप कर लीजिए। अब वो भी अपने को तैयार कर लेता है, और अचानक बाद में कभी ना कभी तो बताना पड़ता है, दुर्घटना हो गई और घर आएंगे तो जीवित तो लाएंगे नहीं, वो तो मरा हुआ है तो मरा हुआ ही आएगा शरीर, तो कभी तो हमारे को बताना ही है। तो ऐसे स्थलों पर प्रेम पूर्वक उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए बताना चाहिए, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती कि जहां झूठ बोलना पड़े, सिवाय एक दो बातों के। आप लोगों में से प्रश्न उठ रहे होंगे या उदाहरण आए होंगे इनके मन में ही, मान लीजिए कोई हमारा गुप्तचर भारत का और विदेश में पकड़ में आ गया है, अब उससे पूछें बताओ भारत के ठिकाने क्या है, गुप्त सूचना है तो कहां परमाणु व्यवस्था है और ये है, उसको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ये कुछ स्थल होते हैं जहां अगर हमारे सत्य बोलने से दुष्ट व्यक्ति हमारे उस सत्य का लाभ उठा करके हमारी और राष्ट्र की हानि कर रहा है, वहां पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, झूठ बोलना भी जरूरी नहीं है, वहां हम कह सकते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, ये इतना आत्मविश्वास हो, बोले मार देंगे मार दो, मेरे को नहीं बताना है, चुप भी रह करके हम काम चला सकते हैं। आप अपने व्यवहार में भी देखेंगे, कई अपने इष्ट मित्र हमारे से कुछ पूछते हैं अपने बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारियां लेने लगते हैं परिवार वालों के बारे में, और उसका दुरुपयोग करते हैं, हमें पता है कि ये व्यक्ति इस सूचना का दुरुपयोग करेगा, वो पूछ रहा है, तो ऐसे में हमें स्पष्ट कह देना चाहिए भाई इस विषय में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि झूठ बोलने के। और उदाहरण मैं दूं, बगल में कोई व्यक्ति है हमारा, पड़ोसी या रिश्तेदार है, वो कहता है जी मेरे को 50,000-1,00,000 की जरूरत है, तो ऐसी स्थितियों में हम प्राय झूठ बोल देते हैं, भाई मेरे पास तो है नहीं। अच्छा मांगने वाला भी जानता है कि इसके पास है, अगर हम सीधे मना कर दें जी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, अभी मैं देने की स्थिति में नहीं हूं, ये भी तो बोल सकते हैं, हम ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ बोला। अब सामने वाला भी जानता है, वो भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा करता रहता है, तो संबंध तो तब भी बिगड़ेंगे। हम ये सोचते हैं कि झूठ बोल दिया, सत्य बोल दिया, नहीं सीधे मना किया तो बुरा मानेगा, भाई वैसे भी तो वो बुरा मानेगा, हम उसको सीधा कहते हैं भाई मैं नहीं दे सकता आपको, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं दे पाऊं। इस रूप में हम थोड़ा ठीक ढंग से इन सब बातों को कह सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मंच पे आ गए वो बहन तो खड़ी है, पर समय खूब हो गया है, और उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कि आप ये सोचना है कि ये धर्म है या नहीं है, हमारा सबका धारण किस में है, उनका प्रश्न पूछने में या इनका करने में, तो ये व्यवस्थापक हैं, हम सबको
सबका ध्यान में रखते हुए यहाँ आए हैं, तो अब हमें धर्म का क्या पालन करना चाहिए? इनके निर्देश के अनुसार आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, बैठिए आप। और भी कोई है? जितना हो गया उतना अच्छा। ओ स्वामी जी, आपने जीवन ना दरेक तबक्के धर्म आपने कई रीते धारण करी सके, व्यवहार में एनो अमल केवी रीते करो, एनु सुंदर मार्गदर्शन आप्यु। अपना घणा बधाना मन में प्रश्न छे, पण समय नी मर्यादा ने कारणे अपने आ कार्यक्रम अहीं पूरो करीए छे। समग्र कार्यक्रम ना आयोजन में योगीधाम गुरुकुल अने वैदिक महासभा ना आमंत्रण ने मान आपीने जे जे कोई सहयोगी थया छे ए तमामनो आ तबक्के आभार मानीए छे। आ साथे पूजनीय संतोना श्री चरणोमां प्रणाम साथे आपणो आ कार्यक्रम अहीं पूर्ण थाय छे। नमस्कार। सबको सफल अपने बताने।